तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लर्निंग बियॉन्ड थ्योरी में। लॉकडाउन के बाद आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आई होप आगे से रेगुलर वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो आपको, जैसा आप सबको पता है कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल, एक नया पोर्टल लॉन्च किया है 7 जून से गवर्नमेंट ने, जिसको ई फाइलिंग 2.0 का नाम दिया गया है। ये पोर्टल पहले से कंपैरेटिव काफ़ी सिंप्लीफाइड है, काफ़ी डिस्क्राइब है और बहुत ही इजी टू यूज़ के फॉर्म में आपके सामने दिया गया है। तो ये पोर्टल है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें मैं थोड़ा स्क्रॉल नीचे करूँ तो ये सर्विसेज हैं। आप बिना इनकम टैक्स के लॉगिन किए वेरीफाई कर सकते हो अपनी रिटर्न फाइल करने के, अपनी जो आपने रिटर्न फाइल किए उसको वेरीफाई कर सकते हो, जो कि 120 डेज में करनी होती है। आधार से लिंक कर सकते हो पैन को, है ना, आप जान सकते हो कि आपका आधार और पैन लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको भी यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑनलाइन अपनी ई पेमेंट भी कर सकते हो यहाँ से, यहाँ पर उसका टैब भी दिया गया है। अपनी इनकम टैक्स को ट्रैक कर सकते हो, वे अपना पैन वेरीफाई कर सकते हो, अपना टैन जो कि TDS के लिए चाहिए होता है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अपने नोटिस वगैरह के बारे में, अपने AO के बारे में, इंस्टेंट पैन के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। TDS ऑन पैन के बारे में भी, TDS 194N में कुछ TDS डिडक्ट होता है कैश विड्रॉल पे, उसकी भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेंज करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आप इंडिविजुअल और HEF हो तो उसके लिए टैब दिया है कि अगर आप मान लो इंडिविजुअल HEF और आपकी इनकम सैलरी है तो उसकी गाइड दी गई है कि हाउ टू फाइल, है ना, फिर उसके अप्लीकेबल फॉर्म्स बताए गए हैं, फिर उनकी टैक्स स्लैब बताई गई है कि सैलरी में क्या टैक्स स्लैब है, फिर उसमें डिडक्शन बताई गई है कि बींग सैलरी पर्सन आपके पास क्या क्या डिडक्शन है, और आप अपनी प्रोफाइल वगैरह को भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। इसी प्रकार अगर आप कंपनी है तो आप डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या स्लैब लगेगी, फॉरेन कंपनी है तो क्या स्लैब लगेगी, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने स्टेटस के हिसाब से अपने काम के रिलेटेड खाली कंप्लाइंस देखें और करें। और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसकी ऐप भी लॉन्च करने वाली है, फिर आप मोबाइल के थ्रू भी अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, नॉन कंपनी है, AJP है, LLP है, तो उन सब के टैक्स लैब्स, उनकी बहुत अच्छी सिंप्लीफाई वे में, अगर मान लो आप LLP हो तो आपकी कौन सा इनकम टैक्स आपको फाइल, कौन सा फाइन आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, कौन से कितना टैक्सेस आपको लगेगा, क्या क्या डिडक्शन आपको मिलेगी, तो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ये तो एक ओवरव्यू है, आप जर्नली आप देख सकते हो। अब एक प्रोफाइल को लॉगिन करके भी देखते हैं कि लॉगिन करके ये पोर्टल कैसा दिख रहा है। मैंने पैन नंबर डाला, इसको कंटिन्यू किया, देखिए लॉगिन करते ही आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ टाइम सेशन आ रहा है जो कि 40 मिनट्स का होता है। अगर 40 मिनट्स आपने इसमें मूवमेंट नहीं किया तो अपने आप ये लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए, वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल कमलजीत आजाद, जिनका हमने लॉगिन किया हुआ है। आप अपनी प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हैं और प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो जाते हैं पहले डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में देखो, इनका नाम आ रहा है, पैन नंबर आ रहा है, आधार आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, है ना। अभी 75% प्रोफाइल दिखा रहा है, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट है, बैंक है, सब अपडेट कर देंगे तो ये 100% दिखाने लग जाएगा। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, तो अगर ये फाइल नाउ करेंगे तो ये आपसे पूछने लग जाएगा कि आपको ऑनलाइन फाइल करना है या यूटिलिटी के थ्रू करना है। आपकी रिसेंट फाइलिंग जो रिटर्न्स आती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी सारी। तो पहले से काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए, जैसे ई फाइलिंग में जाएंगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न्स
यहाँ पर फाइल्ड रिटर्न्स, अगर फाइल्ड रिटर्न्स में जाएंगे तो जो भी इन्होंने पुरानी रिटर्न्स फाइल की हैं 18-19 में, पूरा उसका, पहले क्या होता था एक एक टिक क्लिक करके देखना पड़ता था हल अलग अलग ईयर में, अब बिल्कुल आ रहा है कि आपने ITR फोल फाइल की, इसकी एक्नॉलेजमेंट क्या थी, फाइल वाइज फाइल डेट कब थी, सितंबर 2018, ठीक है ना, उस रिटर्न का फिर क्या हुआ, मई में ये प्रोसेस हुई, सारा अप टू द रिफंड जब तक में नहीं मिला, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है। इसको आप चाहो तो इसको यहाँ से अपनी ये कुछ इसमें एरर है PDF का, या डाउनलोड भी कर सकते हो आप। तो एक बिल्कुल सिंपलीफाई, जो अभी आप तक अपने रिटर्न फाइल किए हैं, जो भी रिटर्न पास में फाइल किए उन सबका रिकॉर्ड, असेसमेंट ईयर 19-20, पिछली तीन रिटर्न्स का, जैसे यहां दिखा हुआ है 3 फाइलिंग्स टिल डेट, पिछली तीन रिटर्न, तीन साल का आप रिपोर्ट्स यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपने फॉर्म्स फाइल किए हैं। तो इन्होंने 18-19 में ITR फोल फाइल किया था 2018 में, ठीक है ना, प्रोसेस हुआ, फिर अंडर प्रोसेस हुआ, फिर यहाँ पर रिफंड इश्यू हो गया। 13 जुलाई को फाइल किया था, 13 जुलाई को मान लो इन्होंने असेसमेंट 19-20 की बात करें तो 13 जुलाई को फाइल किया, फिर अगस्त 19 में 2019 में ये अंडर प्रोसेस था, फिर इनको रिफंड का भी इशू हुआ 11 सितंबर 2019 को। इस तरह से पूरी एक डिटेल आप पिछले 3 साल की एक सिंगल पेज पे देख सकते हैं। फिर अगर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथराइज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, बाकी सारी जो सर्विसेज हैं, रिफंड रीइश्यू हो, कंडोलेंस रिक्वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन छोड़ो, वो सब भी आप यहाँ कर सकते हैं, व्यू डाउनलोड ई पेन कर सकते हैं, अगर कुछ पेंडिंग है प्रोसीडिंग वगैरह सारा काम आप जानते हैं ई फाइलिंग स्टार्ट हो गया है तो सारा काम इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, आप अपनी ग्रीवियंसेस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पोर्टल है, काफ़ी समराइज करके सारी चीज़ों को एक जगह डालने की कोशिश की गई है। हम इनकी रिटर्न ये भी बता रहा है कि कौन से रिटर्न पेंडिंग है, मान लो ये दिखा रहा है कि अभी इनकी रिटर्न कौन सी पेंडिंग है, ईयर एंडेड मार्च 2021, इसको हम फाइल नाउ करते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, करंट ईयर पूछ रहा है, फाइलिंग प्रोसेस क्या करना है आपको, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ न्यू फाइलिंग के साथ इंडिविजुअल है ये, ITR 4 भरी जाती है इसकी, 4 करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म्स खुल जाएगा। देखिए ITR फॉर्म का फॉल खुल गया, अब यहाँ से आप क्वेश्चनर पूछ रहा है, इसको आप प्रोसीड करते चले जाएंगे तो ये फॉर्म्स खुल जाएगा। देखिए अब सेशन भी यहाँ कम हो रहा है, अगर आप पिछले ग्रेवरेंसीज देखना चाहते हैं कि पिछले आपने किया है तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो अपने पुराने ग्रेवरेंसीज कोई फाइल की होगी, कोई एक्शन पेंडिंग है, जैसे हम देखते हैं कि इनका लास्ट ईयर का रिफंड आया या नहीं आया, तो उसको देखने के लिए हम ई फाइलिंग पर जाएंगे और व्यू फाइलिंग जो पुरानी फाइल कर रखी है, तो ये क्या बता रहा है कि 19 जून 2020 को हमने फाइल की, जून में हमने फाइल की थी, ये 28 दिसंबर को प्रोसेस हुई और 1 जनवरी 2021 को इनका रिफंड इशू हो गया। समझ रहे हैं ना, प्रोसेस तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीटली बताया हुआ कि आपकी रिटर्न्स का क्या हुआ। और सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि जिस भी स्टेटस में आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, जो भी जिस SSC जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करता है, उसके बारे में डिटेल आपको एक ट्यूटर वगैरह देने की कोशिश की गई है कि भाई आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है सैलरी की जो ITR 1 है उसके लिए आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, इतना सिंपल प्रोसेस कर रखा है। तो ये एक ओवरव्यू था, बाकी अगर आपको रिटर्न्स फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। जो थैंक यू सो मच, फिर और भी अपडेट्स लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा।